गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पुनः नए सत्र के अंतर्गत ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अपने यथास्थान यानी अपने घर पर सकुशल मंगल होंगे। आप सभी इस महामारी से बच के रहें। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करें। उसके साथ साथ हमें पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना है। तो आइए कुछ जानकारियां हैं पढ़ाई से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा नया शैक्षणिक वर्ष 2021 जो 22 जो हमारी क्लास पहले की है, जैसा कि हमने हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी उसमें बहुत कुछ हमने आपको विशेष हमने बताने का प्रयास किया, उसके ब्रांच में मैं छोटी मोटी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों के बारे में बताया था, उसके उपरांत भी बहुत सारे बच्चे जो क्लास ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए, जो नहीं आए, वे बार बार पाठ्यपुस्तकों के बारे में पूछते रहते हैं। तो एक बार पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जो हिंदी विषय है उसके रिलेटेड जो मुख्य है स्पष्ट पार्ट टू और संचय पार्ट, जैसा कि हमने कक्षा 9 में था पार्ट 1 पढ़ा था और यहाँ पर 2 स्पष्ट के अंदर दो खंड है, गद्य और पद्य। जैसा कि आप पाठ्यपुस्तक देख रहे हैं ऑलरेडी पता चल जाता है कि कौन से गद्य वाले कौन से पद्य। उसके साथ साथ एक पूर्ण पुस्तिका है साहित्य सप्लीमेंट के लिए संचय पार्ट, इसके अंदर 3 पार्ट है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, और इसमें से एक पार्ट मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर जो हरियर काका वाला पढ़ा दिया। उसके बाद व्याकरण का पार्ट है, व्याकरण का सिलेबस जैसा ही कि हमें जो सीबीएसई बोर्ड का निर्धारित है वही हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसकी जो सारी की सारी एक्सप्लेन है नेक्स्ट मंथ क्लास में, उसमें सारा का सारा व्याकरण का सिलेबस आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंतर्गत हम क्रमबद्ध तरीके से जो भी हमारे पार्ट है उनको बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करें। जब भी आप इन वीडियो क्लास को देखें समझें और उसके बाद यदि आपको संबंधी आपको कोई शंका है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में या जो टेक्स्ट मैसेज है व्हाट्सएप चार्ट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। हम सारी आपकी जो भी शंका है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार ध्यान, क्योंकि 2021 के अंदर तो हमारा 30% तो रेड्यूस किया गया था सीबीएसई द्वारा, इस बार वर्तमान में अभी तक कोई रेड्यूस की कोई सूचना नहीं है। हमें जो भी हमारे पार्ट है उनको सभी को पढ़ाना अनिवार्य, इसलिए प्रारंभ से ही जो पार्ट है उनको भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो जो हमारी स्पर्श पार्ट है उसके अंतर्गत स्पर्श वाले में जो पार्ट गद्य और पद्य उनमें से जो प्रारंभ पार्ट है वहीं से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो पार्ट से शुरू संबंधी कोई आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप के जो भी मैसेज उनके माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।